जिसमें फ्लोराइड होता है और 1000 ppm से ज्यादा होता है तो वो सारे के सारे टूथपेस्ट जहर हो जाते हैं, वो पेस्ट नहीं रहते। दुर्भाग्य से जिनके पास दांतों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है वो कोर्ट में जा नहीं रहे हैं, और जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो बाहर रह के खिसिया के रह जा रहे हैं हमारे जैसे, और धड़ल्ले से कॉलगेट बिक रहा है। माने मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान के सारे डेंटिस्टों का ये सरासर अपमान है जो रोज टेलीविजन पर विज्ञापन के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे ये कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, वो अपना लाइफ बॉय साबुन बेच रही है फैमिली डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित। ये कौन सा एसोसिएशन इस देश में बन गया और कब इन्होंने लाइफ बॉय साबुन को प्राण पत्र दे दिया, लेकिन रोज विज्ञापन उनका ये है और हम सब खामोशी के साथ बैठते हुए इसको देख रहे हैं। और ये देश के साथ भयंकर गद्दारी का काम चल रहा है, बेईमानी का काम। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां अपना जहर बेच रही, जिनको मालूम है कि इसमें जहर है वही शांत है। जितने डॉक्टर्स हैं न्यूट्रिशनल, जिनको न्यूट्रिशन का बहुत ज्ञान है, दिल्ली में एक डॉक्टर जैन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के हेड माने जाते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि डॉक्टर साहब ये पेप्सी कोला में क्या है, तो कहने लगे कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने कहा और क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। मैंने कहा और क्या है? सोडियम ग्लूटामेट है। मैंने कहा और क्या है? पोटेशियम सॉर्बेट है। मैंने कहा और क्या है कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको? ये चार जहर ही काफी है आदमी को मारने। तो मैंने कहा कि अगर ये पेप्सी कोला में चार जहर है तो आप इस बात को गांव गांव में कहते क्यों नहीं जाते? पेप्सी कोला तो गांव गांव में घूम घूम के कह रहा है कि लहर पेप्सी है, तो आप गांव गांव में घूम के कहते क्यों नहीं कि ये जहर पेप्सी? आप जब मानते हैं कि उसमें ये जहर है चार, लेकिन आप गांव गांव में घूम घूम के कहते क्यों? तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का देश के लिए क्या उपयोग है? आपने ये जो ज्ञान हासिल किया, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है, लाखों रुपए इस देश का आपने खर्च किया है, और लाखों रुपए खर्च करके जो ज्ञान अर्जित किया है उसका इस देश को रिटर्न क्या मिल रहा है? तो कहने लगे फुर्सत ही नहीं है। तो किससे फुर्सत नहीं? व्यक्तिगत स्वार्थ से फुर्सत नहीं। तो मैंने कहा एक दिन डॉक्टर साहब ये सारा का सारा देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, और हो सकता है आपके बेटा बेटी भी उसमें बर्बाद हो जाए, तब भी आप कहेंगे कि आपको फुर्सत नहीं। और दुर्भाग्य यही है कि जिनके पास ये ज्ञान है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों का पर्दाफाश कर सकते हैं, जो ये बता सकते हैं कि इनके बनाए हुए सामानों में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। डॉक्टर जैन ने ही मुझको कहा कि पेप्सी कोला और कोका कोला में एक पैसे का भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, और देश के लोग 10 रुपया खर्च कर रहे हैं पेप्सी पीने के लिए और कोका पीने के लिए। 10 रुपया खर्च करके एक पैसे की भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है हमको, लेकिन वो देश में सबसे ज्यादा बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। लोग अब शुद्ध पानी पीना पसंद नहीं करते, उसकी जगह पेप्सी और कोका कोला पी लेते। तो जिस चीज की एक पैसे की 1% भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो और वो चीज इस देश में महंगी बिक रही हो दूध से ज्यादा। पेप्सी कोला बिकता है 33 रुपए लीटर का और दूध बिकता है 14 रुपए लीटर का। तो 14 रुपए लीटर का गाय का दूध और 33 रुपए का कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ पानी, और उसको कहते हैं लहर पेप्सी, और कहते हैं द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन। द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन नहीं है बल्कि चॉइस ऑफ न्यू डी जनरेशन है, लेकिन करें क्या उसका। और उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा तब आता है जब हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां अपने हेल्थ टॉनिक बेचती हैं जिनमें हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है। बॉर्नविटा, कॉम्प्लॉन, मोल्डोवा, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, ऐसे तमाम तरह के जो हेल्थ टॉनिक्स बिक रहे हैं, डॉक्टर जैन के अनुसार इनमें किसी में भी हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है। और आप चाहें तो अपने बच्चे को चने का सत्तू खिलाएं, जौ का सत्तू खिलाएं, तो उससे जितनी हेल्थ बनेगी, आप 100 डिब्बे प्रोटीनेक्स के खिला लीजिए कोई हेल्थ नहीं बनने वाली, 100 डिब्बे आप बॉर्नविटा के खिला दीजिए कुछ नहीं बनने वाला उससे। और आप अगर 1 डिब्बा बॉर्नविटा का खरीदेंगे तो कम से कम 200-250 रुपए का है 1 किलो का, तो 200-250 रुपए का 1 किलो बॉर्नविटा खरीद के तो खाएंगे, लेकिन किसी को आप कहिए कि मूंगफली खाओ गुड़ के साथ तो नहीं खाएगा कोई। रोज अगर गुड़ के साथ मूंगफली खाएं तो जितनी प्रोटीन उससे मिलती है, जितना कार्बोहाइड्रेट उसमें से निकलता, जितनी और दूसरी चीजें हमको मिलती हैं, उतनी 100 पैकेट बूस्ट खाने से नहीं मिल सकती। लेकिन मुश्किल से मूंगफली का गुड़ के साथ खाने का प्रचार तो नहीं है, लेकिन बॉर्नविटा का प्रचार है। और ये जो बॉर्नविटा, मोल्डोवा, इन तमाम चीजों में मिलाते क्या है? एक बार मैंने डॉक्टर जैन से कहा कि आपके पास तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की इतनी बड़ी लेबोरेटरी है, आप जरा इसमें पता करिए कि ये मिलाते क्या, कैसे बनाते हैं बॉर्नविटा। तो उन्होंने 3 महीने के बाद मुझे एक लंबी सी चिट्ठी भेजी, उसमें हरेक के बारे में लिखा कि देखो बॉर्नविटा कैसे बनता। बॉर्नविटा बनता है मूंगफली की खली से, मूंगफली की खड़, माने मूंगफली के दाने में से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे बनता है बॉर्नविटा। मेरे गांव में मूंगफली के तेल के निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको जानवर खाते हैं, लेकिन हमारे देश में इंटेलिजेंट लोग कोई खाते हैं बॉर्नविटा के नाम। और आप बाजार में चले जाइए
मूंगफली की खली आपको 20-25 रुपए किलो में मिल जाएगी। गुजरात में तो उससे भी सस्ती मिलेगी। मैं तो मेरे गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ मूंगफली होती नहीं बिल्कुल। यहाँ तो सिंगदाना इतना होता है गुजरात में, मुश्किल से 20-25 रुपए किलो में खली मिलेगी। उसको वो बेचते हैं 200-250 रुपए किलो में। और हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं वैल्यू एडेड हो गया। काहे का वैल्यू एडेड हो गया? जेब काट ली आपकी और आप कह रहे हैं वैल्यू एडेड हो गया। उन्हीं डॉक्टर जैन साहब ने मुझे बताया कि हॉर्लिक्स में क्या है, कुछ नहीं है, जौ का सत्तू और चने का सत्तू। बिहार में उसको हम लोग कहते हैं सत्तू, अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्लिक्स। अब किसी से आप पूछिए कि सत्तू खाओगे, कहेगा क्या फालतू की बात कर रहे हैं, और पूछिए हॉर्लिक्स खाओगे, हाँ हाँ खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि अंग्रेजी का नाम है और बड़ा भारी नाम है हॉर्लिक्स। कहने में लगता है कि हाँ कुछ इम्पोर्टेड जैसी चीज है। उसमें कंटेंट क्या है? कुछ नहीं। उस पर लिखा हुआ है साफ साफ, इट इज मॉल्टेड। मॉल्ट माने ही होता है जौ का सत्तू। जौ का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए, चने का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए, 20-25-30 रुपए किलो में मिलेगा। लेकिन हॉर्लिक्स खरीदिए तो 160 रुपए में एक किलो मिलेगा। और ये जितने हेल्थ टॉनिक्स बिक रहे हैं इनमें से किसी से भी एक पैसे की हेल्थ नहीं आती। लेकिन हिंदुस्तान की क्या बर्बादी है, हर साल हम 1,000 करोड़ रुपए के हेल्थ टॉनिक्स खाते हैं इस देश, एक पैसे भी हेल्थ जिससे नहीं आती। सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, कोई हेल्थ नहीं है। लेकिन 1,000 करोड़ रुपए के हेल्थ टॉनिक्स इस देश में बिकते हैं। क्यों बिकते हैं जानते हैं? टेलीविजन पर एक इडियोटिक एडवर्टीजमेंट आता, एक छोटा सा बच्चा कूदते हुए आता, कहता आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय। एक छोटी बच्ची कहती आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। इसका माने क्या है? मैं कॉम्प्लॉन का बेटा हूँ। और बच्ची कह रही है मैं कॉम्प्लॉन की बेटी हूँ। और कॉम्प्लॉन क्या है? टिन का डिब्बा। कि टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं, ऐसा कोई साइंस है दुनिया में? लेकिन चल रहा सारे देश में। इसलिए बिक रहा है कॉम्प्लॉन, इसलिए बिक रहा है बॉर्नविटा। ये उसका नाम है तेंदुलकर। वो कहता है मेरी शक्ति बूस्ट, माने सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट। तो सचिन तेंदुलकर की अम्मा को एक आप चिट्ठी लिखिए, ये सचिन तेंदुलकर बूस्ट पी के तेंदुलकर बना है क्या? कोई भी खिलाड़ी बूस्ट खा के खिलाड़ी नहीं बन सकता। एक सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी माना जाता है टेनिस का, उसका नाम है बोरिस बेकर। सबसे ज्यादा ताकतवर भी, उसकी लगाई हुई एस सर्विस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती, माने ट्रेन भी जिस रफ्तार से नहीं जाती उस रफ्तार से उसकी गेंद जो मारता है वो जाती है। कितनी पावर होगी उसके शॉट्स में। और आप कभी भी बोरिस बेकर को देखिए, खेल जब भी रुकता है 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, बैग में से केला निकाल निकाल के खाता रहता हमेशा। तो बोरिस बेकर को शक्ति मिलती है केला खा के। तेंदुलकर कहते हैं कि हमको शक्ति मिलती है बूस्ट खा के। केले में जितनी शक्ति है दुनिया के किसी भी हेल्थ टॉनिक में हो नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इन चीजों का प्रचार ना के बराबर है।